हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये देखिए, आज मसाले सने हमने बनाए हैं। चलिए तो देखते हैं, मेरी रेसिपी पे बने रहिएगा दोस्तों। रेसिपी पूरी देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, प्लीज़ स्किप मत करिएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये देखिए, मैंने ओवरनाइट के लिए काले चने ले लिए थे, सोक कर दिए थे, सुबह बॉईल करके। बॉईल हो गए हैं चने, सॉफ्ट हो गए एकदम, और बॉइलिंग वाला जो पानी था वो हमने फेंका नहीं है, उसको यूज़ करेंगे इसी रेसिपी में। सो इसको क्या करेंगे, हम साइड में रखेंगे। इधर हमने गरम मसाला बनाने की तैयारी कर ली है, जैसे कि लोग सभी लोग यूज़ करते हैं गरम मसाला सब्जियों में, छोले चने राजमा इन सब में यूज़ होता है। जितने भी ड्राई मसाले थे, मैंने दालचीनी है, फूल चक्री है, जावित्री है, और भी सामान्य काली मिर्च, लौंग, जीरा है, इलायची है, हरी इलायची मैंने खोल ली है, छिलके हटा दिए हैं। और बस थोड़ा सा इसको गर्म करेंगे, हल्का सा खुशबू आने लगे धीमी आँच पे। गर्म करने के बाद इसको हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसको हम ग्राइंड करेंगे, लेकिन अभी इसे ठंडा होने देंगे और साइड पे रखेंगे। इधर ले लिया मैंने एक बाउल दोस्तों। बाउल लेने के बाद इसमें हम 2 चम्मच दही निकालेंगे। दही निकालने के बाद इसमें हम सारे सूखे मसाले डालेंगे, सूखे हल्दी, मिर्चा, नमक मसाला, जो भी आप टेस्ट के अनुसार, आप अकॉर्डिंग आपको जो पसंद हो मसाले, उस हिसाब से इसमें निकाल लीजिए। मैंने हल्दी, लाल मिर्च है, धनिया पाउडर और नमक डालेंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप नमक जितना, क्योंकि हमें चनों में भी हमने जो चने बॉईल किए थे उसमें नमक और हल्दी डाल के बॉईल किया था, तो उस हिसाब से आप मसाले डालिएगा। बाकी इसको सोक कर देंगे, मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर साइड में रख देंगे इसको। इधर सब्जी की हम तैयारी करते हैं। सब्जी को बनाने की तैयारी, ये देखिए हमने सब मिला लिए मसाले में, इसको हटा के रख देंगे। कढ़ाई में तेल डाल देंगे। आप लोग दोस्तों जानते हैं, चने छोले राजमा इनमें सभी में सब्जियों में थोड़ा सा तेल ज़्यादा पड़ता है, तो 2 से 2.5-3 चम्मच तक आप जैसे लेना चाहें उस हिसाब से ले लीजिएगा। जिस तरह की आपने सब्जी, हमारे जो काले चने थे वो 250 ग्राम थे, 250 ग्राम, तो उस हिसाब से मैंने तेल डाला है इसमें। बाकी आप की क्वांटिटी कितनी है आप बढ़ा सकते हैं, तेल भी बढ़ जाएगा उस हिसाब से। ये जो मसाले हमने इधर जीरा डाला है, जीरा डालने के बाद हींग डाली है। हींग के बाद हम मसाले जो जो सोक किए थे हमने दही में, वो सारे मसाले डाल के इसमें भून लेंगे अच्छे से। अच्छे से भून लेना है दोस्तों। इसको भूनने के बाद हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे, क्योंकि हमने दही डाला था और गैस की फ्लेम हमने ऑफ कर दी है दोस्तों, क्योंकि तेल हमारा गर्म था। गरम गरम जैसे ज़्यादा तेज होगा तो दही हमारा फट सकता है, इसलिए हमने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी थी। अब हम गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और धीमी रखेंगे, लो फ्लेम पे इसको मसाले को धीमे धीमे पकाएंगे। थोड़ा इसमें हम मिक्सी के जार में जो मसाला था हमने जो पीसा था वो, मतलब सॉरी दोस्तों, मिक्सी के जार में नहीं, कटोरी में जो हमने दही में जो मसाले निकाले थे सारे, उसमें पानी डाल के 2 चम्मच और हिला के इसी मसाले में हमको डाल लेना है और सारा मिक्स कर लेना है। और फिर इसको हम ढक देंगे थोड़ी देर। इसको ढकने के बाद थोड़ी देर तेल अच्छे से, मसाला हमारा पक जाएगा, दही छोड़ देगा तेल। इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, आप डालना चाहे डाल सकते हैं, वैसे इससे इसका टेस्ट सब्जी में अच्छा आता है। मसल के हाथ से डाल दीजिएगा। इधर आप भुना जीरा भी डाल सकते हैं, गरम मसाला भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। गरम मसाला मैं बाद में डालूंगी, आपको दिखाऊंगी आगे। ये देखिए चने मैंने बॉईल किए थे, पानी सही डाल दिया, जिस पानी में बॉईल किए थे वही पानी हमने डाल दिया। ये देखिए हमारा गरम मसाला ठंडा हो गया था, सूखे मसाले हमने सारे मिक्स करके और जो दिखाए थे आपको ठंडे हो गए थे, वो हमने ग्राइंड कर लिया, अच्छा सा पाउडर बना लिया है। इधर हमारे चने का पानी भी अच्छे से सारा सूख गया है,
उसी पानी को धीमे धीमे बनाना था। दोस्तों ऐसे बनाइएगा मेरे तरीके से, बहुत अच्छा बनता है, बहुत चने अच्छे बनते, टेस्टी बनते हैं, बिल्कुल जैसे हम लोग भंडारे के छोले खाते हैं ना, चने और छोले इस तरह से मसाले वाले बिल्कुल दही में लिपटे हुए दोस्तों बनते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। प्लीज़ पूरी वॉच कीजिएगा रेसिपी और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। इस तरह से बनाइएगा, आपको मेरी रेसिपी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा दोस्तों और शेयर कीजिएगा। कमेंट करके नहीं बताते हो आप लोग, कमेंट करके बताया करिए किस तरह की बनी, आप लोगों को किस तरह की चाहिए, और आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आगे भी मैं आप लोगों के लिए इस तरह से रेसिपी लाती रहूँगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, आगे भी यूँ ही करते रहिएगा। देखिए कितने अच्छे लगते हैं पूड़ी के साथ, आप पराठे के साथ, किसी के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों, इसके साथ आप लोगों को